अविश्वास दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट गए हैं उद्धव ठाकरे उनके लोग, उनका ये तो क्या है, उनके जो एडवाइजर है मुझे मालूम नहीं किस तरह का एडवाइस देते हैं। हमें 11 तारीख दी गई थी हमारा जो एप्लीकेशन था सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद जो हमें नोटिस दिया गया था डेप्यूटी स्पीकर के यहाँ से, वो नोटिस गलत था क्योंकि वो 24 आवर्स का नोटिस था, उसको स्टे किया गया। उसको स्टे करने के बाद उस तारीख तक ये 3 बार कोर्ट में गए, हर बार उनकी अर्जी रिजेक्ट हो गई। तो इनको ये है मतलब, तो इससे अभी आदि हो गया, बार बार जाएंगे, बार बार इनकी अर्जी ठुकराई जाएगी क्योंकि ये प्रोसीजर नहीं है। जब डेट लगती है, जब अथॉरिटीज रहते हैं, जैसे समझिए विधानसभा है, तो विधानसभा के जो चेयरमैन रहेंगे वो जब तक डिसीजन नहीं देंगे उस डिसीजन के खिलाफ आप जा सकते हैं, लेकिन जब तक वो डिसीजन नहीं देते उनकी अथॉरिटी रहती है। इलेक्शन कमीशन जब तक अपना डिसीजन नहीं देती, वो इलेक्शन कमीशन का अधिकार है, वो अधिकार उनको घटना ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। वो कभी भी किसी कोर्ट ने नहीं ऐसे बोला है कि आपका ये अधिकार छीना जा रहा है। तो ये जो सब कर रहे हैं वो प्री मैच्योर्ड है, वो डर गए हैं कि जैसे ये सब लोग निकल गए वैसे हमारे सब साथी जो बचे हैं वो भी निकल न जाए, इसलिए उनको वो इमोशनली अपने साथ जुड़के रखने चाहते हैं, इसीलिए सब हो रहा है ऐसे मैं सोचता हूँ। शिवसेना को लेकर जिस तरीके से अगर ये लड़ाई लंबी चलती है और अभी स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, महानगर पालिका के चुनाव भी होंगे, आपने कहा सिंबल दिया जाता है अलग अलग, तो आगे क्या मतलब आप किस सिंबल पे जाएंगे, क्या आपके पास ऑप्शन रहेगा और क्या आप गठबंधन में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे तो गठबंधन में जाएंगे? हमारा चिन्ह तो धर्मेश्वर ही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो भी चिन्ह देता है, अगर समझिए उन्होंने वो फ्रिज किया और दूसरा चिन्ह दिया, तो जो भी चिन्ह है वो लेके हम लोग युति में जाएंगे। ये तो शिंदे साहब ने बोला है कि जो अभी गठबंधन बन गया है वो गठबंधन परमानेंट है और हम उस गठबंधन से ही जाएंगे आगे के सब चुनाव में उस गठबंधन के। सरकार साहब एक सवाल ये है कि आप लोग इलेक्शन कमीशन गए कि शिवसेना आपकी है और आपके पास लेजिस्लेटिव पार्टी है, तो उस समय से लेकर जो भी शिवसेना के ऑफिसेस हैं, दफ्तर हैं, चाहे वो विधानसभा में हों, बाहर हों, जो लीज पे मिले हों, कम दाम में जो सरकार देती है, इस तरीके के जो दफ्तर है, अगर शिवसेना आपकी होती है और ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है, तो इसको लेकर के कैसे पॉलिसी होगी आप लोगों की और कैसे जाएंगे? देखिए, हमने कुछ भी प्रॉपर्टी के लिए नहीं किया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाला साहब के विचार यही हमारी प्रॉपर्टी है, उस विचारों को लेके हम लोग चलेंगे और कोई कुछ भी बोले, बाला साहब पूरे महाराष्ट्र के हैं और हम सबके हैं और हम सबके रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।